सो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम। देख ही सकते हैं आप लोग यहाँ पास कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और दर्शन में हमें अभी काफ़ी समय लग सकता है बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने में। बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग यहाँ आए हुए हैं दर्शन करने, तो चलिए हम चलते हैं दर्शन के लिए। तो सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख सकते हैं गाइस आप लोग, मौसम कितना सुहाना है यहाँ का, और बहुत ही अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड बाबा केदारनाथ, जहाँ आप लोग भी आ सकते हैं घूमें बढ़िया। बहुत ही अच्छा प्लेस है, ये टूरिस्ट प्लेस कहलाता है। ये सकते हैं गाइस आप लोग, ये जो शिला आपको दिख रही है, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादातर बाढ़ आई थी, लोग बह गए थे, तब ये शिला ऊपर से मतलब धड़क कर आई थी नीचे, और मंदिर के साइड में लग गई थी, और इसी शिला ने मंदिर की रक्षा की। और देख सकते हैं लोगों का मानना है, लोग इसमें सिक्का चिपकाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पास मन्नत मांगने। देख सकते हैं किस तरह से सिक्के सिक्के हुए हैं किला में, और यहाँ पास भी देवी देवता विराजमान हैं, और शिव जी का रूप माना गया है इस किला को, जो ऊपर से नीचे आई है। देख सकते हैं आप लोग, अभी यहाँ पास काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है थोड़ा बहुत। तो गाइस देख ही सकते हैं आप लोग, ये पहाड़ों में किस तरह से बर्फ जमी हुई है, और बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। देख सकते हैं नज़ारा आप लोग, कितना प्यारा सुहाना लग रहा है यहाँ का, एकदम नीला नीला पूरा आसमान है। यहाँ पास की वादियाँ बहुत ही सुहानी लगती हैं, और यहाँ टूरिस्टों को आने जाने के लिए बसें भी हैं जो आती जाती हैं यहाँ से। देख सकते हैं गाइस, रात के समय का ये नज़ारा है, और भगवान भोलेनाथ जी का जो मंदिर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये चारों तरफ की लोकेशन आप लोग देख ही सकते हैं कि रात में बाबा केदारनाथ में कैसा लगता है। ये चारों तरफ की लोकेशन है, ये मंदिर की लोकेशन है, देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। देख ही सकते हैं आप लोग, रात में अब मंदिर के गेट बंद हो चुके हैं, पट बंद है, प्रभु के अब दर्शन सुबह ही होंगे, और बहुत दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर, नंदी जी भी विराजमान हैं, देख सकते हैं दान पेटी भी रखी हुई है।